देश भर की तरह सरहदी बाड़मेर में भी सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हुई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। बाड़मेर में 17 साल की पूनम को पहली वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने कई जगहों का निरीक्षण किया। विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि अपने परिवार के 15 से 18 वर्ष के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन करें। वहीं बच्चों में भी वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नजर आया। देश भर की तरह सरहदी बाड़मेर में भी सोमवार को 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हुई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। बाड़मेर में 17 साल की पूनम को पहली वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने कई जगहों पर निरीक्षण किया। विभाग ने लोगों को आग्रह किया कि वो अपने परिवार के 15 से 18 वर्ष के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन करें। देश में नववर्ष के अवसर पर 1 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण हेतु कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई के मुताबिक बाड़मेर जिले में 1,87,082 बच्चों को कोविड की वैक्सीन सोमवार से लगाई जानी शुरू हुई है। बाड़मेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के पास 24,000 डोज पहले से थी और रविवार को 35,000 डोज और मिली है। ऐसे में बच्चों के वैक्सीनेशन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। विष्णु ने बताया कि वह बाड़मेर के परिजनों से आग्रह करते हैं कि पात्र बच्चों के टीकाकरण के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करें। इसलिए वैक्सीनेशन की तारीख पर 2007 या उसके बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कोविड वैक्सीन के लिए पात्र होगा। इसके लिए मौजूदा कोविन प्लेटफॉर्म पर जरिए अपना रजिस्ट्रेशन उसी तरह किया जा सकता है जिस तरह 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए किया जाता था। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों को अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड प्रयोग करने की मंजूरी दे दी गई है। और आज जिले के अंदर लगभग 110 साइट चल रही है जो बच्चों के लिए, बाकी रूटीन कोविशील्ड की वैक्सीन अलग चल रही है। बच्चों के लिए 110 जगह हमें आज वैक्सीन कर रहे हैं, मैक्सिमम स्कूलों में ही कर रहे हैं ताकि हमें आराम से बच्चे एक स्कूल में मिल जाए और उनके जो आधार नंबर और आईडी नंबर हाथों हाथ मिल जाए, और वो टीचर्स भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारी टीमें लगा रही है। और आज बच्चों में जबरदस्त उत्साह है और हम लग रहा है कि हमारे पास 50,000 वैक्सीन थी, कल तक पूरी हो जाएगी और हम स्टेट से आज वैक्सीन मांग कर रखी है हमने। बच्चों में जबरदस्त उत्साह है और जगह जगह देखो बच्चे तो अपनी लाइन में खड़े हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है हमें काफ़ी दिन से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम खुद ही संघर्ष कर रहे थे हमारे जो बेनिफिशियरी को लाने के लिए लाभार्थी, हम ढूंढ ढूंढ के ढूंढने पड़ रहे थे घर घर जाके। अब हमें क्यों में खड़े हैं और बच्चों को लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और बाकी कोविशील्ड भी लग रहा है। मैं लोगों से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम जो भी बच गए वो सब टीका लगाए, जो 18 साल से ऊपर है वो कोविशील्ड का टीका लगाए और बाकी जो है बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन का टीका हम लगा रहे हैं। आज हमारे विद्यालय में कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो आयोजित किया गया। हम सब जानते हैं कि हमारे इस कोरोना से भारत कितना प्रभावित हो गया है, तो सरकार ने इतनी बड़ी अगर योजना चलाई है तो हमें भी उसका जरूर लाभ उठाना चाहिए ताकि कोरोना ये जो फैल रहा है उससे हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे में उन बच्चों को राहत मिल गई है जिनके पास आधार या पहचान साबित करने का अन्य कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में बच्चे स्टूडेंट आईडी कार्ड के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उनके अलावा पात्र लोग फैसिलिटेटेड रजिस्ट्रेशन मोड में सत्यापनकर्ता वैक्सीनेटर द्वारा साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के पहले दिन बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।